नट्टू काका, ना मैंने आपको नौकरी से निकाला है, ना बागा को नौकरी से निकाला है। ये तो आप दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए, इसके लिए मैंने छोटा सा झूठ बोला, ताकि आप दोनों को पता चले कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। मतलब आप हमें नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं? अरे नहीं भाई, नहीं। आप दोनों भले जैसे भी हो, लेकिन आप दोनों के बगैर मेरा गुजारा हरगिज नहीं, हरगिज क्या, कतई नहीं हो सकता। सब हिसाब मिल गया है और आपका पूरा अकाउंट क्लियर है। अच्छा। मैं तो रामसंग कंपनी को रेकमेंड करूंगा कि आपकी एजेंसी को 3 साल के लिए ना बढ़ाए, बल्कि 5 साल के लिए बढ़ा दी जाए। अरे वाह, नट्टू काका भागा। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। अरे ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती, ऐ मेरे मालिक तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल, ऊपर गगन विशाल। आपने सिखाया है ना बापू जी की जीवन में लक्ष्य और नजर हमेशा ऊपर रखनी चाहिए। ए अक्कल मठा, वो जीवन के ध्येय को लेके बोला था, ऐसे हमेशा ऊपर देख के ही चलेगा तो तू तो गिरेगा ही, दूसरों को भी गिराए। सॉरी, लेकिन आप नीचे क्या कर रहे थे बापूजी? वो एक टांचनी गिर गई थी, वो ढूंढ रहा था। अरे बापूजी, एक टांचनी के लिए क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे? गिर गई तो गिर गई, दूसरी ले लीजिए। एक दूसरी ले लीजिए भाई, वो तो मैं ले ही सकता हूँ, लेकिन टांचनी किसी के पैर में ना लग जाए इसलिए ढूंढ रहा था। लेकिन बापूजी, इसके अंदर ऐसे पैर डाल के कौन चलने वाला जो लग जाए? ये बाबू चल, अंदर ये थोड़ी पता है, इधर उधर कहीं भी हो सकती है, किसी के पैर में लग गई तो ढूंढनी तो पड़ेगी ना। ओ हाँ हाँ, तो आप रहने दीजिए, मैं ढूंढता हूँ बापूजी। तू रहने दे भाई, तेरा काम नहीं है। अरे बापूजी, देखिए तो सही, 2 सेकंड में ढूंढ निकालूंगा, उल्लू की नजर है मेरी। या भाई, उल्लू की नजर नहीं, बाज की नजर होती है। नहीं, वो मुझे पता है बापूजी, लेकिन उल्लू क्या है, रात के अंधेरे में भी देख सकता है ना, बाज से 1 स्टेप आगे, इसलिए मैंने बोला उल्लू की नजर। अच्छा चल, दिखा उल्लू की नजर का जलवा, दिखा। ओके। क्या हुआ? तू टांचनी, मैं पासू। हाँ हाँ बाबूजी, आराम से आराम से आराम से। क्यों मैं ऐसा करूं, क्यों मैं वैसा करूं, मेरे जैसा मैं हूं और तेरे जैसा तू है। यो यो, तेरी बातों में कोई बात नहीं है, दिन है या रात नहीं है, शब्दों का साथ नहीं, दिन है या रात नहीं। यो यो, क्या कर रहा है? सॉरी, क्या कर रहा है? गोली किधर देख के चल रहा है तू? सॉरी अंकल, सॉरी सॉरी। अरे क्या सॉरी, इतना बड़ा इंसान रास्ते में पड़ा है, दिखा नहीं तुझे? जेठ अंकल, आप नीचे थे तो आप दिखे नहीं, सॉरी। हमेशा नजर नीचे रख के चलना चाहिए। नहीं। क्या नहीं? दादाजी ने हमें सिखाया कि जीवन में लक्ष्य और नजर हमेशा ऊपर ही होनी चाहिए। अरे वो तो जीवन के ध्येय को लेके ऐसा बोलते हैं, तू हमेशा ऐसे ऊपर देख के चलेगा तो तू तो गिरेगा, दूसरों को भी गिराएगा। सॉरी जेठ अंकल, वो यो यो करके रैप कर रहा था तो आप दिखे नहीं। हाँ, तो तुम लोगों के यो यो के चक्कर में मेरा ओ, ओ हो गया, उसका क्या? पापा आपको लगा तो नहीं ना? हाँ वो तो नहीं, ठीक है, कुछ नहीं। तो वैसे जेठ अंकल, आप नीचे क्या कर रहे थे? अरे वो एक टांचनी गिर गई और ढूंढ रहा था भाई। क्या जेठ अंकल, एक टांचनी के लिए इतनी कंजूसी कर रहे हो? मैं घर से पूरा बॉक्स लाके देता हूँ आपको, एक मिनट। अरे बेटा होशियार, मैं कंजूसी नहीं कर रहा था, वो क्या टांचनी किसी को पैर में लग ना जाए इसलिए ढूंढ रहा था। चलो तुम लोग भी ढूंढने में मदद करो, चलो। क्या जेठ अंकल, एक टांचनी के लिए इतनी मेहनत कराएंगे, खामखा भूख लग जाएगी, मैं डाइट पे हूँ। तू डाइट कर रहा है? आधे घंटे के लिए। वैसे जेठ अंकल, आपको याद है एक बार आपको पिन लग गई थी तो फिर सब आपको मेरे पापा के पास इंजेक्शन लगवाने लेके आए थे, मेरा पेट दुख गया था। इंजेक्शन मुझे लगा, उसमें तेरे पेट में दर्द क्यों हो गया? नहीं नहीं जेठ अंकल, आप समझे नहीं, इंजेक्शन ना लगवाने के लिए आप जो बहाने दे रहे थे ना, वो सुन सुन कर हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो गया था।
गोली बस हाँ बस अभी पापा को इंजेक्शन से डर नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता तो अभी पापा को इंजेक्शन लेके बुलाता हूँ क्यों जेठा अंकल? ये बेटा बस बहुत हो गया मजाक, चलो तुम लोग ढूंढो टाचनी ढूंढो चलो। वैसे जेठा अंकल एग्जैक्टली टाचनी गिरी कहाँ पर है? बापू जी से गिरी है, वो कह रहे थे कहीं भी गिरी हो सकती है। तो फिर सोफे पे भी हो सकती है। सॉरी सॉरी जेठा अंकल मजाक कर रहा था। बोला ना बहुत हो गया मजाक बेटा। पापा आप बैठिए हम लोग ढूंढते। क्या कर रहा है गोली? सॉरी यार थोड़ा पीछे जा, उधर ढूंढना, मैं इधर ढूंढ रहा हूँ यार। मेरे पैर देखा बाबूजी, मेरा साथ भी ऐसा ही हुआ था, आप जब भी होते ना वही सेम टू सेम हुआ। हाँ हाँ भाई हाँ। टाचनी मिली? नहीं अभी तक नहीं मिली। ये तो कह रहा था ना 2 सेकंड में मिल जाएगी, क्या हुआ? हाँ नहीं मैं ढूंढने जा रहा था कि टप्पू और गोली ने बोला कि आप रहने दीजिए हम ढूंढते हैं, आप बैठिए। और तू बैठ गया? चलो ढूंढता हूँ, चलो हम सब मिलकर ढूंढते हैं, मिल जाएगी। दादाजी दादाजी किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप लोग बैठिए मैं 2 सेकंड में टाचनी ढूंढ दूंगा, एक मिनट। 2 सेकंड में ढूंढ दूंगा करके कहाँ चला गया ये? जस्ट वेट एंड वॉच जेठा अंकल, टप्पू जो बोलता है करके दिखाता है। आ गया आ गया, हट गोली। दादाजी ये लीजिए आपकी टाचनी। अरे वाह टप्पू, ये मैग्नेट का आइडिया जबरदस्त लेके आया तू। थैंक यू पापा। देखा जेठिया, इसे कहते हैं 2 सेकंड में ढूंढना। आखिर बापूजी दोस्त किसका है? अच्छा चलिए अब हम कॉलेज चलते हैं। बाय दादाजी बाय पापा। एक मिनट बेटा, ना बैग ना किताब, कॉलेज जा रहे हो खाली हाथ? देखा बापूजी ये आज की पीढ़ी, ये आज की पीढ़ी ने ही 2 सेकंड में ये टांचनी ढूंढ के दी है। वो बराबर है लेकिन। अरे पापा बैग बुक सब लेके जा रहे हैं, रूम में पड़ा वहीं से लेकर निकल जाएंगे ना। चल गोली। अरे एक मिनट दादाजी टांचनी दीजिए ना। क्यों दीजिए ना? एक मिनट। ये लीजिए दादाजी। ये क्या है दादाजी? यो स्माइली है। मतलब इसमें आप टाचनी लगा कर रखेंगे ना तो टाचनी कभी गुम नहीं होगी। और दादाजी आप इसे कुर्ते पे भी लगा सकते हैं। यो दादाजी। यो 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 यो। चलिए हम कॉलेज चलते हैं। चल भाई। ये टप्पू और गोली भी ना हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। हाँ हाँ बापू जी। हेलो भाई। हाँ बापू जी बोल के खड़ा क्या है, दुकान नहीं जाना? हाँ बापू जी। हाँ बापू जी नहीं मतलब जा रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिने। हेलो। हाँ चंपक। हाँ बोल बोल परेश बोल। वो नाथिया की तबीयत देख के आया कि नहीं, मिल के आया कि नहीं? क्यों क्या हुआ उसे? क्या हुआ क्या, बहुत बीमार है, हम सब उसको मिल के ही आ रहे हैं। तू भी एक बार हो क्या, तुझे अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है मिल के आऊंगा। और सुन जेठालाल और टप्पू को भी साथ में लेके जाना। वो परेश वो जेठिया तो अभी अभी दुकान गया है और टप्पू कॉलेज गया है, दोनों शाम को आएंगे। हाँ ठीक है तू तो जाके मिल के आ। हाँ हाँ। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। इतना अच्छा मौसम है बबीता जी, देख जाते तो मजे आ जाता है। आने वाला कोई तूफान। अरे तू किधर देख के चल रहा है, मरना है क्या? ए, मरना है क्या, क्या मरना है? ए, सो
सोसाइटी कंपाउंड है। सोसाइटी कंपाउंड में कोई इतना फास्ट गाड़ी चलाता है क्या? मुझे को हो जाता तो कुछ हुआ क्या? ए, हुआ क्या, क्या क्या हुआ क्या? हो जाता तो? अरे हो जाता तो तुम्हारी गलती की वजह से हो जाता। इतना बड़ा टेम्पो आ रहा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? अरे तो तुमको सामने से इतना बड़ा इंसान आ रहा है वो दिखा नहीं क्या? अरे जब तुझे इतना बड़ा टेम्पो नहीं दिख रहा है तो मुझे इतना छोटा सा इंसान कैसे दिखेगा? छोटा सा इंसान तू 12 में दिखाता हूँ, यह छोटा सा इंसान कितना बड़ा है। तू 12 अरे नहीं आएगा बार, क्या कर देगा तू? उस जेठा का क्या हंगामा खड़ा कर रहा है भाई? चलो नीचे जाकर देखते हैं। तो देखना ही पड़ेगा ना, मैं सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी हूँ और एक में सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी की शांति भंग ना हो देखना मेरा काम है। चल चल लो। अरे नहीं उतरेगा, जा क्या कर लेगा तू? 12 फिर बताता हूँ मैं क्या करूंगा। तू 12 आवाज तो जयदलाल का लगता है। हाँ लगता है जेठा जी का किसी के साथ झगड़ा हो गया है। ये जयदलाल का हमें क्या, किधर ने झगड़ा होता ही रहता है। लगता है ये टेम्पो वाले ने कोई गलती की होगी। अरे टेम्पो वाले का नहीं बबीता, ये जयदलाल का ही गलती होगा। चलो देखते हैं। चलो चल चल बे, तेरे जैसे बहुत देखे। देख आखिरी बार बोल रहा हूँ, सीधी तरीके से बाहर आ जा वरना नहीं उतरेगा नीचे। क्या कर लेगा? वरना मैं तेरा कास तोड़ दूंगा। क्या हुआ जयदलाल, क्या ढूंढ रहे हो? अरे एक मिनट छाता देना। अरे छाता क्यों चाहिए, बारिश तो नहीं हो रही है? हाँ बारिश नहीं हो रही लेकिन छाते से इसका कांच तोड़ना है। अरे भाई एक मिनट भाई, छाते से कांच नहीं टूटता, छाता टूट जाएगा। अरे नहीं टूटेगा छाता, एक मिनट देख तो सही। अरे लेकिन तुम्हें कांच तोड़ना क्यों है? ड्राइवर इसको ठीक से कांच में से दिखाई नहीं दे रहा है। कांच तोड़ दूंगा ना तो ठीक से दिखाई देगा। क्या बोल रहे हो जेठा भाई, पोपटलाल के चश्मे का कांच तोड़ दोगे तो उससे दिखाई कैसे देगा? हाँ और क्यों तोड़ोगे भाई, क्या किया इसने, क्या किया क्या तुमने? अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, और जेठालाल को मेरे चश्मे का कांच नहीं तोड़ना है, उसको छाते से ये टेम्पो का कांच तोड़ना। अरे हाथ तो लगा के दिखा है। जेठालाल मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम पत्थर मार के इसका कांच तोड़ो, अपने हाथ से कांच तोड़ो, लेकिन प्लीज मेरे छाते को छोड़ दो। छाते से कांच क्यों टूटेगा, छाता टूट जाएगा। पर जेठा जी आपको ये कांच तोड़ना क्यों है? अरे बबीता जी मैं सीधा सीधा दुकान जा रहा था, इतने में ये आदमी इतना फास्ट टेम्पो चला के मेरे सामने आया। ये तो अच्छा हुआ एन मौके पे मेरा ध्यान गया, वरना ये तो मुझे उड़ा ही देता था। अबे आप ही बोलिए, इसको सबक सिखाना बनता है कि नहीं? इसीलिए मैं इसके गाड़ी का कांच तोड़ के इसको सबक सिखाना चाहता हूँ। अरे जा जा, तू क्या सबक सिखाएगा? देखो देखो इसकी होशियारी तो देखो, अभी तो मैं तेरा कांच तोड़ के ही रहूंगा। क्या हुआ चाचा जी? जयदलाल टेम्पो वाले से झगड़ा कर रहे हैं। आप प्लीज जल्दी से नीचे आइए ना चाचा जी, प्लीज। क्या करेगा तू? अरे ले उतर गया नीचे, क्या कर लेगा बोल, उतर गया। अरे अरे बाप, क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा पैर दर्द कर रहा है, बाद में मेरे क्लिनिक पर आ जाना, पहले मुझे इसे समझाने दो। अरे आप मेरे पैर में पैर रख के चले गए। सॉरी सॉरी। अरे जटिया ये सब क्या हो रहा है, क्या हुआ क्या? बापूजी आदमी अपने टेम्पो से मुझे उड़ाने वाला था और माफी मांगने की जगह दादागिरी कर रहा है। अब तो जब तक ये माफी नहीं मांगेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ए भाई ए, एक तो गलती करता है ऊपर से दादागिरी करता है। अरे चाचा जी मेरी गलती नहीं है, ये ऊपर देख के चल रहा था। चलते चलते इंसान को सामने देखना चाहिए, ऊपर क्या है? नहीं जयदलाल तुम इधर उधर किधर देख रहा था? अरे अय्यर भाई आप शांत रहो ना भाई। देखे भाई मैं इधर देखो उधर देखो ऊपर देखो नीचे देखो इधर भी देख के चलू, तुमको इससे क्या? ये मेरी सोसाइटी है, ये सोसाइटी में मैं रहता हूँ। अच्छा चलो माना कि मेरा ध्यान नहीं था, मैं इधर उधर देख के चल रहा था, लेकिन तुम्हारा ध्यान किधर था? हाँ और कुछ?
कुछ नहीं तो कम से कम हॉर्न तो बजा सकते थे कि नहीं? हॉर्न बजाना चाहिए। देखो भाई टेम्पो तुम चला रहे थे तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, हॉर्न होता किस लिए भाई साहब? आपको पता है जब भी मैं सखरम चलाता हूँ ना, और अगर मुझे सामने से कोई दिखता है ना आते हुए, तो मैं 15 फीट दूरी से ही हॉर्न बजाना शुरू कर देता हूँ। देखो देख। अरे पर मेरे टेम्पो का हॉर्न बंद है। हॉर्न बंद है मतलब गलती तुम्हारी है भाई। हाँ भाई ये तो चोरी ऊपर से सीना जोरी हुई। आप गाड़ी चलाते हैं तो हॉर्न भी तो चालू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चालू होना चाहिए। अरे वो बारिश में गाड़ी में पानी गया इसलिए हॉर्न बंद हो गया। तब बंद हो गया तो ठीक करवा लेना चाहिए ना। तुम्हारी ये हॉर्न ठीक नहीं करवाने की लापरवाही की वजह से मुझे कुछ हो जाता तो। पर ये कब से एक ही रिकॉर्ड बजाते जा रहा है, कुछ हो जाता तो, कुछ हो जाता तो, कुछ हुआ क्या? और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने टाइम पे देख के ब्रेक लगाया। कच्चे मारो भैया। अरे क्या बोल रहे बाबूजी? आपके आपके सामने बोले टांग उठे थे, लेडीज खड़े ऐसा बोल रहे टांग उठे सी, ऐसा कोई बोलते है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैंने टाइम पे ब्रेक नहीं मारी होती ना तो हॉस्पिटल में ऐसे टांग उठा के पड़ा होता तू। अच्छा अभी देख, अबे मैं तुझे हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ देख। अरे गलत आदमी से पंगा लिया है तूने, छोड़ेगा नहीं तेरे को मैं। पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। गलती तेरा है समझा, तू इधर उधर देख के चल रहा था। मैंने तेरे को छोड़ेगा नहीं मैं। अरे छोड़ो मेरे को। अरे रुको छोड़, कच्चे मारो भैया। समझो कच्चे नहीं है बिल्कुल। शांत हो जाओ, ऐसे मत करो। चाबी निकाल लो। ये क्या? घर की चाबी। अरे घर की चाबी इसे मैं बोला, घर की चाबी। उसके टेम्पो की चाबी निकाल लो, ये लो। कभी पता चल गया मुझे। अच्छा ये देख, नजर उठा के देख दाढ़िया, तेरे टेम्पो की चाबी इधर है। पहले चुपचाप माफी मांग। अरे मैं क्यों सॉरी बोलूं? एक मिनट मेरा बात सुनो। देखो आप है ना, सॉरी बोल दो और चाबी ले लो। अरे मैं सॉरी क्यों बोलूं? लेकिन बात तो आगे पड़ गई। तेरे को तो मैं सबक सिखा के रहेगा। बहुत गलत पंगा ले लिया तूने, बहुत गलत पंगा ले लिया, छोड़ेगा नहीं मैं तेरे को। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देख मेरी चाबी दे दे, नहीं तो। नहीं तो क्या? क्या क्या नहीं तो क्या? हाँ क्या कर लेगा? बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। अरे चले, धमकी किसको देते हैं? तो हमारी सोसाइटी में आके हमें ही धमकी दे रहे। देखिए भाई साहब, मैं आत्मारान तुकाराम भिड़े इस गोकुलम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी हूँ। मैं आपको बता दूं कि सोसाइटी के नियमों के अनुसार आप कंपाउंड में हमारे सोसाइटी के मेंबर को धमकी नहीं दे सकते। हाँ करेक्ट है, ये करेक्ट है। अरे तू इसको नियम क्या सिखा रहा है? हमारी सोसाइटी में आके हमारे दोस्त को धमकी दे रहे, मैं इसकी दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल दुनिया हिलाने में मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन नियम तो बताने पड़ेंगे ना। यहाँ कहा नियम अभी इस वक्त? अरे असो कसम आदमी, नियम मुझे नियम वहां पे लिखे ना क्लियरली सोसाइटी के नियम, उस पे सबसे लास्ट नियम देखो क्या लिखा है भाई साहब। कृपया शोर न मचाए, सोसाइटी में शांति बनाए रखे। देखो भाई साहब जो हुआ सो हुआ, चुपचाप सॉरी बोलो और यहाँ से निकल जाओ। अरे मैं क्यों सॉरी बोलूं? लेकिन देखो सीधे सीधे सॉरी बोल दो वरना बात बहुत आगे बढ़ जाएगी दोस्त। अरे दोस्त क्या बोल रहा हूँ, बात को आगे बढ़ गई।
ये सबको इकट्ठा करके शेर बन रहा ना तू। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, समझा ना? तेरे को तो मैं सबक सिखा के रहेगा। बहुत गलत पंगा ले लिया तूने, बहुत गलत पंगा ले लिया, छोड़ेगा नहीं मैं तेरे को। मित्रों, बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, यदि आप केरोसिन या पेट्रोल के पास तीली ले जाएंगे तो क्या होगा? सभी उत्तर जानते हैं, तुरंत आग भड़क जाएगी। इंसानी दिमाग के साथ भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। परेशान दिमाग हो उसके पास आप गुस्से की तीली ले जाइए और फिर देखिए झगड़े की आग कैसी भड़कती है। यही हुआ जेठालाल के साथ। भाई टेम्पो वाले ने ब्रेक लगाने में एक सेकंड की देरी क्या कर दी, जेठालाल ने कितना कुछ सुना दिया, लेकिन टेम्पो वाला भी बुरा मान गया, उसने जेठालाल को धमकी दे दी है। अब देखना यह है कि क्या होता है आगे इस झगड़े का स्वरूप, कि धमकी क्या रूप लाती है, क्या टेम्पो वाले की धमकी सिर्फ गीदड़ भपकी है या फिर सचमुच जेठालाल का बुरा हाल होने वाला है। भाई इस झगड़े की परिणति क्या होती है, गुस्सा कहां तक लेके जाता है आगे इस कहानी को, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे चल चल, बहुत देखे तेरे जैसे, हम कच्ची मारू मैं, जेठालाल चंपकलाल गड़ा नाम है मेरा, इधर इसी सोसाइटी में रहता हूँ, वो पीछे बालकनी दिख रही है ना, वो मेरा घर है। वो बोर्ड वाली नहीं है, वो बाजू वाली बीविंग बोल। हाँ बीविंग में मेरा घर है और अंधेरी ईस्ट में मेरी दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दिन में उधर रहता हूँ, रात में इधर रहता हूँ, जिधर मर्जी आ जाना, देख लूंगा तुझे। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।